ये वोल्टास की स्प्लिट एसी है, इसमें कूलिंग नहीं हो रही है, कस्टमर बता रहा। तो हमने इसे खोल के चेक किया है, तो अभी ये चेक कर रहे थे हम वोल्टास को। फाइनली मैंने कॉइल के ये साइड वाले पैनल को खोल लिया है और इस पर महसूस कर रहा हूँ कि ऑयल दिख रहा है इस पर साइड पर, तो इस पर कहीं ना कहीं लीकेज है और किसी पिंच पर ऑयल नहीं दिख रहा और कार्बन भी काफ़ी आ रही है इस कॉइल पर। यहाँ इधर साइड में नाला है, नाले की साइड में ये एसी लगा हुआ है, तो इधर कार्बन भी बहुत है और लीकेज भी अभी लीकेज है इसमें। अभी कस्टमर बता रहा कि 2 साल हुए हैं एसी लगे हुए, तो इसमें लीकेज हो गई है, तो सर्विस भी करनी है इसकी और लीकेज भी रिपेयर करनी है। तो अभी मैं लीकेज ढूंढ रहा हूँ, तो लीकेज ढूंढ के चेक करके देखता हूँ। अभी इसमें प्रेशर भरूँगा, प्रेशर भरने के बाद लीकेज ढूंढना कि है किधर इसमें लीकेज। फाइनली मैंने प्रेशर भर दिया इसमें, अब मैं लीकेज चेक कर रहा हूँ कि इसमें लीकेज है कहाँ। तो लीकेज मुझे इधर ही महसूस हो रही थी, तो इधर ही चेक कर रहा हूँ। देखो लीकेज मुझे मिल गई एक, इसमें काफ़ी बड़ी लीकेज है, जितना प्रेशर मार रही है काफ़ी प्रेशर मार रही है लीकेज। ये नीचे मेरे सेवा भैया हैं जो हेल्पर रहते हैं, तो नीचे ये देखो काफ़ी तेज़ लीकेज है इसमें, बहुत एक ये लीकेज मिल गई है मेरे को। जैसे ये लीकेज देख रहे हो आप, ये लीकेज है इसमें और कहीं लीकेज नहीं है, बट आगे अभी चेक करना है कि कई लीकेज हो सकती है इसमें। बहुत बहुत माइनर लीकेज है इसमें, तो अभी तो ये एक ही लीकेज मिली है। अभी इसमें इसको रिपेयर करके दोबारा गैस चार्ज करेंगे फिर हम इसमें। अभी क्या है कि इसको रिपेयर वेल्डिंग करके इस पर फिर दोबारा से प्रेशर भरेंगे हम। प्रेशर भरने के बाद दोबारा फिर चेक करेंगे कि कहीं लीकेज रह तो नहीं गई है, कहीं और लीकेज पैदा हो जाती है कभी कभी, एक बार में पकड़ में नहीं आती, कभी दोबारा पकड़ में आ जाती है। जैसे आपने गैस वेल्डिंग की और कॉइल वगैरह हीट हो जाती है, तो उससे गैस लीकेज हो जाती है कहीं कहीं नई जगह पर, तो ऐसा होता है कभी कभी। तो इससे बढ़िया है कि आप प्रॉपर अच्छी तरह से चेक करें, जैसे वेल्डिंग हो गई आपकी तो दोबारा से प्रेशर डाल के लीकेज को चेक करें और पूरी सिस्टम को चेक करें। अगर इस साइड आपकी लीकेज है तो आपको कॉइल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इधर ही कॉइल को रिपेयर कर सकते हो ऊपर लगे लगे, जैसे मैं करूँगा आपके आगे। तो इधर मैंने ये चेक कर लिया है, इसमें एक ही लीकेज है। लीकेज को अच्छे से जाँचना है, अच्छे से एक एक करके सही से, ताकि लीकेज बिल्कुल रह ना जाए। लीकेज इसमें काफ़ी बड़ी है। सबसे बढ़िया है कि कॉइल, अगर कॉइल नीचे उतर जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर, पर टाइम बहुत वेस्ट होता है कि कॉइल को उतारना नीचे, कभी कभी नहीं खोलने में और वो करने में फ्लेयर भी फट जाते, तो फ्लेयर बनाना टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया है कि आप ऊपर ही इसको रिपेयर कर दियो। फिलहाल मैं इसका गैस हवा निकाल रहा हूँ इसमें, जो प्रेशर मैंने डाला था वो प्रेशर डाल के इसमें फिर मैं गैस वेल्डिंग करूँगा इस पर कॉइल पर। तो फाइनली मैंने एक प्रेशर तो निकाल दिया, अब मैं कॉइल रिपेयर कर रहा हूँ जहाँ वेल्डिंग करूँगा। तो मैंने वहाँ कपड़ा लगा लिया गीला ब्लोअर के ऊपर और प्लास्टिक के उसके ऊपर, ताकि उसको गर्माहट ना मिले। गीला कपड़ा लगाना ताकि एसी को कोई डैमेज ना पहुँचे। तो मैं अभी उस पर वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैंने गैस वेल्डिंग कर दी है उस पर कॉइल पर। अब मैं दोबारा से इसमें प्रेशर डाल रहा हूँ, तो प्रेशर डाल के दोबारा से लीकेज को चेक करना है कि उसमें और कोई लीकेज तो नहीं है। तो फिलहाल प्रेशर चल रहा है मेरा, मैंने ये नीचे से आउटडोर चालू कर दिया है, इंडोर चालू कर दिया है, उसी से ये कनेक्शन दे दें, क्योंकि यहाँ बिजली की कनेक्शन नहीं था ऊपर, तो मैंने आउटडोर से कनेक्शन ले लिए। तो मेरा प्रेशर डलना स्टार्ट हो गया है, तो प्रेशर मेरा 200-250 के करीब पहुंच गया, 200 प्रेशर पहुंच गया। इसमें 250 प्रेशर कर देना है और फिर चेक करना है। कोई तो मैंने कॉइल रिपेयर की, कॉइल इसमें दोबारा प्रेशर डालने के बाद कम से कम 5 लीकेज और मिली। ये सारी कॉइल एक साइड की पूरी वेल्डिंग करनी पड़ी है, थोड़ी क्या वेल्डिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था सही से। तो अब गैस डालने का टाइम आ गया है, वैक्यूम भी मैंने कर दिया है। और गैस कैसे डालते हैं ये प्रॉपरली आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि गैस कैसे डालते हैं। मैंने ये पज कर दिया और एयर निकाल दिया,
तो अब मैंने सिलेंडर को खोल देना है और सिलेंडर को उल्टा रख देना है, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से ही आपको सिलेंडर को उल्टा रख देना है ताकि लिक्विड फॉर्म में लिक्विड जाएगी एसी के अंदर। स्टार्टिंग में ही कर देना है आपको। मैं कभी सिलेंडर को सीधा या एयर नहीं भरता, सीधा लिक्विड फॉर्म भरता हूँ ताकि एसी की कूलिंग कैपेसिटी बढ़िया रहती है और न ही कोई प्रॉब्लम आती है। मेरा डेली का एक्सपीरियंस तो यही कहता है। मैं तो यही ऐसे ही उल्टा सिलेंडर करके जैसे R32 R410 R22 कोई सी भी गैस हो या फ्रिज में भी करता हूँ, तो फ्रिज में भी सिलेंडर उल्टा करके ही डालता हूँ मैं। उसमें कभी वो नहीं करता कि सिलेंडर को सीधा करके उसमें एयर भर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, सीधा उल्टा सिलेंडर किया और डालना स्टार्ट। अभी मैं इसमें गैस को बढ़ा रहा हूँ, इसमें 120 के करीब PSI करूँगा, 120-220 की PSI गैस भर के फिर इसको AC को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद फिर ये बैक प्रेशर बताएगी अपना, और बैक प्रेशर आने के बाद फिर दोबारा से इसमें गैस चार्ज होगी और इसके एम्पियर भी साथ में देखते रहना है कि एम्पियर कितने ले रहे हैं। एम्पियर तो बहुत ज़रूरी है, एम्पियर देखते रहना है आपको कि एम्पियर कितने ले रहा है, क्योंकि एम्पियर में ना बहुत रिस्क रहता है कि कभी कभी ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है और आप गैस डालते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिलेंडर को उल्टा रखना है और एम्पियर लगा के रखना है। अभी तो इसमें मैं प्रेशर ही भर रहा हूँ, अब जैसे ही इसी स्टार्ट आउटडोर को स्टार्ट करूँगा इसमें फिर सुई नीचे आ जाएगी आपकी, बैक प्रेशर नीचे आ जाएगा। इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, पर इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि गैस कैसे चार्ज करते हैं। सिलेंडर को उल्टा ही रखना है लास्ट से और स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से और लास्ट तक सिलेंडर को उल्टा ही रखना है। R32 गैस है इसमें, वोल्टास का नॉन इन्वर्टर AC है ये, तो इसमें मैंने कम से कम 220 के करीब प्रेशर बढ़ दिया है। अब मैं AC को स्टार्ट आउटडोर को स्टार्ट करूँगा, तो मैंने आउटडोर के तार लगाने मेरे को, फाइनली मैं आउटडोर के तार लगा दिया और आउटडोर मेरा चलना स्टार्ट हो गया और ये सिलेंडर मेरा नीचे लुढ़क गया उस वाइब्रेट से। अब इस पर एम्पियर मीटर लगाना है, एम्पियर मीटर ज़रूरी है आपको, एम्पियर मीटर का खास ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी होता है कि आप गैस डाल रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है, एम्पियर ज़्यादा ले रहा, तो आउटडोर कई सारे हादसे हो गए हैं, एम्पियर लगाया नहीं है और आउटडोर फट गए हैं। तो इससे बढ़िया कि आप एम्पियर लगा के रखें और गैस को चार्ज करते रहें। इस एम्पियर से पता चलता है कि आपका कंप्रेसर कितना लोड लेके चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो इसमें अभी 4.4 एम्पियर लेके चल रहा है और गैस करीबन 50 PSI के करीब चार्ज हो गई है। इसमें ये बैक प्रेशर आ रहा है इसमें, तो अभी इसमें मेरे को थोड़ी चलने के बाद सिलेंडर को उल्टा ही रखना है आपको। चलने के बाद फिर दोबारा से गैस हॉल हॉल करके धीरे धीरे से डालते रहना है आपको, जिससे आपका प्रेशर मेंटेन रहे। एक साथ पूरा प्रेशर नहीं खोलना है, फिर लगातार जाने दें, आराम से और धीरे धीरे करके डालते रहें गैस, प्रॉपरली जाए जाती रहेगी आपकी गैस। गैस का काम थोड़ा रिस्की रहता है पर इसको ध्यान से रखें। ये डिस्चार्ज लाइन पर आयस आना स्टार्ट हो गया है, अब ये 4.5 एम्पियर लेके चल रही है। अभी इसमें करीबन 70-80 के PSI के करीब गैस चार्ज हो गई है, तो इसमें अभी चल रहा है। अभी इसकी हीटिंग भी जाना स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत, जो मेरे सामने वीडियो मोबाइल लेके बैठे हैं भैया वो बता रहा है कि इसमें गर्मी आना स्टार्ट हो गया। इसमें R32 गैस है तो केयरफुली चार्ज करना है, क्योंकि R32 R410 ये हाई प्रेशर गैस होती हैं, इनको थोड़ा केयरफुली, कभी भी धीरे धीरे करके गैस को खोलते रहना है। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि गैस कैसे चार्ज करनी है, और एम्पियर भी देखते रहना है अपने कितने एम्पियर चल रहे हैं हमारे। फिलहाल मैं आपको एम्पियर दिखा रहा हूँ कि इतने इसमें एम्पियर आ रहे हैं, तो एम्पियर इसमें हमारे इसमें बढ़ गए हैं करीबन 5 एम्पियर पहुँच गए और उसमें डिस्चार्ज लाइन से आइस रिमूव हो गई है और इसमें 100 PSI गैस डल चुकी है अब तक। अभी इसमें करीबन 20 नहीं करीबन 30-40 के करीब प्रेशर और डालना है इसमें, कम से कम 140
करना है इसमें प्रेशर। वैसे तो इसमें 130 प्रेशर आता है, पर मैं 140 कर देता हूँ। इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, फिर भी बढ़िया चलती है, कूलिंग भी बढ़िया आती है, कम प्रेशर लोड भी नहीं रहता है, एम्पियर भी ज़्यादा नहीं है। पर वैक्यूम आपको प्रॉपरली करना है कम से 20 से 25 मिनट, ताकि आपकी गैस बढ़िया से टले आपकी। और मैंने कम से कम इसमें 25-30 मिनट वैक्यूम किया है, तब जाके अच्छे से रनिंग कंडीशन चल रहा है इसका बढ़िया। और गैस को धीरे धीरे से एक जैसे एक लाइन छोड़ दी, एक या दो लाइन मतलब छोड़ के फिर दोबारा से, जैसे ही प्रेशर आपका मेंटेन हो जाता है दोबारा से फिर बढ़ाएं इसमें। ऐसे नहीं आपने एक एक ही बार में खोल दिया और प्रेशर जा रहा है और फाइनली गैस मेरी पूरी हो गई है। मैंने सिलेंडर ऊपर लिया, सीधा सिलेंडर ऊपर देता हूँ मैं टाइट, क्योंकि गैस मेरी पूरी हो गई। प्रेशर उसमें 140 के करीब पहुँच गया प्रेशर इसका, जो हो गया। अब ये मैं इंडोर के नीचे, इंडोर पे आ गया हूँ नीचे रूम में। एसी आपका बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया, कूलिंग बढ़िया आ रही है, गैस भी पूरी हो गई है।